हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हम हमारी सीरीज में एक ट्यूटोरियल देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग हिंदी, और यह हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट 21 है, जिसमें हम आज देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी। और इसके पहले भी मैं ऑपरेटर्स के कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे और यूनरी ऑपरेटर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम यूनरी ऑपरेटर का ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आज यूनिट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यूनिट ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और उनके वर्क किस तरह से होते हैं, और मैंने आपको पोस्टिंग, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डिफरेंस बताया था। आज हम उन्हीं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं तब जो हमने डिफरेंस देखा था वही आता है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है, मैं सबसे पहले हेडर फाइल लगाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ हेज इंक्लूड देन, इसके बाद अगली हेडर फाइल तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए, और इसमें साइन कर देता हूँ 10, वही एग्जांपल जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, और एक वेरिएबल लेता हूँ सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सी इक्वल टू, यहाँ पर मैं सी एल एस लगा लेता हूँ तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, एस सी आर और यहाँ पर सेमी कॉलन, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस प्लस देन सेमी कॉलन। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आंसर 10 प्रिंट होना चाहिए। अगर हम सी को प्रिंट कराते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर 10 आता है कि नहीं। आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 10 किस तरह से आएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए सी में हम सी इक्वल टू ए प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब कि ए को इंक्रीज कर दो 1 से और की वैल्यू हमें इंक्रीज करना है और यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी पोस्ट इंक्रीमेंट से ज्यादा होती है। यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट नहीं कहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट कहा है, इसलिए आप इस बात को मेन ध्यान रखें कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी पोस्ट इंक्रीमेंट से ज्यादा होती है। तो पहले हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो जो ए की वैल्यू है सबसे पहले सी के अंदर असाइन हो जाएगी, तो ए की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू सी के अंदर असाइन हो जाएगी, देन फिर ये इंक्रीज होगा। तो हम रन करा के देखते हैं कि जो C की वैल्यू है 11 है या 10। तो मैं इसे रन कराता हूं, तो हम get ch देन से अब हम रन कराते हैं, तो मैं इसे रन करता हूं, आप देखिए आंसर आ रहा है 10, बल्कि हमने यहां पर इंक्रीज कर दिया है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होने के कारण हमारी पहले वैल्यू असाइन हो गई देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये असाइन नहीं हो पाई इंक्रीज वैल्यू। देन अब हम इसके पहले हम प्री इंक्रीमेंट देखते हैं, तो मैं लगाता हूँ प्लस प्लस, और अब हम इसे रन कराते हैं, और मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देखिए 11 प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अब हम देखते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी इक्वल ए माइनस माइनस, देन इसे हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करा देते हैं। तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी कॉमा सी। अब यहाँ पर जो हमारे ए की वैल्यू है 11 हो चुकी है, तो अब यहाँ पर 11 से ये डिक्रीज होगी, तो सबसे पहले ये असाइन हो जाएगी सी के अंदर देन फिर ये डिक्रीज होगी। तो हम देखते हैं कि ये आंसर इसका 11 आ रहा है कि नहीं, तो हम इसे रन कराएंगे, तो आप देखिए आंसर 11 आ रहा है, दो वैल्यू है इसलिए पहले का आंसर 11 देन सेकेंड वाले प्रिंटेप का आंसर 11 आ रहा है। ये था हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। देन अब यहाँ पे हम प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं, तो ये आंसर 10 आना चाहिए इसका क्योंकि ये पहले इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम रन कराते हैं, तो ये देखिए 10 आ रहा है। तो ये डिफरेंट है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स इस चैनल के अलावा मेरी एक वेबसाइट भी है जिस पर आप जरूर विजिट करें, आपको उस पर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको उस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वेबसाइट